अरे सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहते हैं इस्माइल जी। अजो आज इस्माइल क्या समस्या है आप लोगों को? समस्या ये है जी, हम रहने वाले से पंप ऑपरेटर हैं, ढाई ढाई तीन तीन साल हो गए जी, हमें 2022 से ज्वाइनिंग है जी हमारी, तो हमें 2022 से अब तक कुल 4 महीने की सैलरी दी गई है, वो भी केस में, और 6,000 का महीने से दी गई है। उसके बाद में हमें कोई सैलरी नहीं दी गई है जी, 24 घंटे की हम ड्यूटी कर रहे हैं, और हमारी समस्या ये है, हम पे हमें अकाउंट में सैलरी चाहिए और टाइम पे सैलरी चाहिए जी हमें। अच्छा कौन लोग हैं ये, किस कौन सा डिपार्टमेंट है? ये ठेकेदार के थ्रू है जी, पब्लिक हेल्थ से ठेकेदार के थ्रू है, रेनीवाल से लगे हुए हैं हम। अच्छा आप लोगों ने ठेकेदार से बातचीत की है कि ये अपनी समस्या रखी होंगे सामने? ठेकेदार हमारा फोन नहीं उठाता है जी, काफी बात रखी है उससे। हमारी लड़की की शादी थी अभी इस महीने में 7 तारीख की थी, तो हमारे साथ एक दुर्घटना ऐसी हुई, यहाँ पे पैसे भरे जाते हैं 1,10,000 रुपये वहाँ भर दिए, वो उसको खा के भाग गया, तो हमने इनको रिक्वेस्ट डाली मन की, सर जी हमारा सैलरी डाल दी जावे और हमारी लड़की की शादी है, तो उन्होंने कहा इस्माइल जी आप अपनी पासबुक डालो, हमने उनको पासबुक डाली, उसके बाद में उन्होंने आज तक कॉल नहीं उठाया। क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं जी हमारी टाइम पे सैलरी मिलनी चाहिए, पूरी सैलरी मिलनी चाहिए, जो ये हमें सैलरी दी जा रही है ये चौकीदार की सैलरी दी जा रही है, पंप ऑपरेटर की सैलरी नहीं दी जा रही है। कितनी सैलरी दी जा रही है आपको? हमें 6,000 दी जा रही है जी। ड्यूटी कितनी दी जा रही है? 24 घंटे की हम ड्यूटी कर रहे हैं जी, 24 घंटे की, कोई चौकीदार नहीं, चौकीदार भी हम ही कर रहे हैं, चौकीदारा भी हम कर रहे हैं और पंप ऑपरेटर भी हम ही हैं जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुनफैज है सर। अरे मुन्फे भाई आप जो है पंप ऑपरेटर हैं जी? पंप ऑपरेटर। तो क्या समस्या है आपको? सर हमारी समस्या यही है सर, एक तो हमें टाइम पे सैलरी दी जाए, और दूसरी बात ये है जी हमें अभी तक 2 साल हो गए काम करते करते, 6 महीने की सैलरी, 4 महीने की सैलरी दी गई है, जो कि 6,000 रुपये दी गई है। एक्चुअल हमारी जो सैलरी है वो है 11,500 रुपये, तो जब भी हम बात करते हैं तो वो ऐसे ही टाल देते हैं, भाई अगले महीने करेंगे, उससे अगले महीने करेंगे। जो हमारा ठेकेदार है, हम ठेकेदार के अंडर में है, तो ठेकेदार जब भी ये कहता है, जब उससे कहते हैं तो भाई वो कहता है कि अगले महीने डाल देंगे, फिर उससे अगले महीने डाल देते हैं। बहरहाल प्रशासनिक अधिकारी किसी से मिले हो इस बारे में भाई हमारे साथ? हाँ हमने अभी कुछ दिन पहले जब यहाँ हमारे यहाँ वो आया था, वो परिवहन मंत्री आया था, तो हमने जब भी कंप्लेंट दी थी तो उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। और अब हम यही चाहते हैं सर, हमारी टाइम टू टाइम हर मंथली वो दी जाए, हर मंथ हमारी सैलरी डाली जाए, और जो पूरी एक्चुअल जो जो हमारी सैलरी है वो हमारे अकाउंट में डाली जाए। जो कितना काम आपसे लिया जा रहा है? हमसे सर 24 घंटा काम लिया जा रहा है। ये आपको कैसे पता लगा कि एक्चुअल आपकी जो तनख्वाह है वो 11,000? वो सर हमें ठेकेदार ने भी नहीं बताई।